अब खबर ऊना से। 1964 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री चरणजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। ऊना में अपने घर पर उन्होंने सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली। शाम 4 बजे स्वर्गधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम की कमान संभालते हुए ऊना के मैड़ी के रहने वाले चरणजीत सिंह ने दरअसल देश को ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1964 में दिलवाया था। वो लीजेंड थे, हमारे भी हीरो थे। कल उनकी अचानक तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। कल उनकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो हॉस्पिटल ले गए थे हम। ठीक हो गए थे, 2:30 बजे रात को वापस आए, लेकिन सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो आज 4 बजे इधर मेन रोड आम पे जो क्रिमेशन, उसमें 4 बजे की क्रिमेशन रखी है। आज हिंदुस्तान ने एक और ओलंपिक चेहरा खो दिया। 1964 में भारत को ओलंपिक हॉकी में दिलवाने वाले विजेता चरणजीत सिंह का आज सुबह तड़के उनके निवास स्थान पर देहांत हुआ। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे और कल दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया। रात 2 बजे के करीब उनको डिस्चार्ज किया गया और सुबह 5 बजे आज हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु। आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऊना की बात करें तो ऊना जिला में ही नहीं, पूरे देश में आज शोक की लहर दौड़ उठी है, क्योंकि इतना होनहार खिलाड़ी आज देश ने जो है वो गवा दिया। क्योंकि ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ओलंपिक विजेता और लोगों के लीजेंड जाने वाले चरणजीत सिंह ने आज 97 वर्ष की आयु में अपने निवास स्थान पर अंतिम आज शाम 4 बजे उनका क्रियाक्रम जो है, अंतिम क्रियाक्रम जो है, संस्कार जो है, उस स्थानीय शमशान घाट में किया जाएगा। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज घटना की रिपोर्ट। नहीं रहे पद्मश्री चरणजीत सिंह। 3 फरवरी 1931 को चरणजीत सिंह का जन्म हुआ था और चरणजीत सिंह की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने दरअसल इतिहास रचा था। 1964 में 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने दरअसल स्वर्ण पदक जीता था और ऊना के चरणजीत सिंह को भी टीम इंडिया की कप्तानी उस वक्त मिली थी। भारत ने पाकिस्तान की टीम को परास्त किया था। 1960 के रोम ओलंपिक में पाकिस्तान ने भारत को हराया था और इसका बदला फिर उन्होंने 1964 में लिया था। चरणजीत सिंह की अगुवाई में भारत ने पाकिस्तान से बदला 1964 में लिया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया।